अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास टाइम की बायोलॉजी से। तो सबसे पहले जो है वो क्लास टाइम हमने अपनी बुक्स निकालें, और आज आपका बायोलॉजी का जो है वो चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम तीन लेक्चर कर चुके हैं, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। हम अब तक क्या स्टडी कर चुके हैं, हम अब तक स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी हैज थ्री मेजर ब्रांचेज, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इन द जोलॉजी वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, इन बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड द माइक्रोबायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन नेकेड आई। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, उसकी मदद से ही देखा जाता है। बायोलॉजी की मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंस हमने देखी कि बायोलॉजी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो बायोलॉजी से हमें पता चलता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजम्स के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, और उनका एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुक है उसके बारे में, वो किस तरह से यूज़फुल हैं दूसरे के लिए। ये सारी बातें हम बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस में देख चुके हैं। फिर हमने बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेस को भी स्टडी किया, जैसे लाइक मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और बहुत सारी वहाँ पर हमने ब्रांचेस देखी। फिर हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी का क्या कनेक्शन है दूसरी साइंस के साथ। तो बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोसोशियोलॉजी, बायोलॉजी को दूसरी साइंस के साथ भी कनेक्ट किया गया, और मुख्तलिफ टाइप की स्टडीज़ और जो वहाँ पर बनाई गई हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन शख्सियात के बारे में जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा खिदमात पेश करी। और कौन? हमारे मुस्लिम साइंसदान। सही, आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने किस तरह से बायोलॉजी की स्टडी को, बायोलॉजी की फील्ड को यहाँ तक पहुँचाया। आज जो हम इतने सारे जो है वो टेक्निक्स देखते हैं, इतने सारे जो है वो चीज़ें देख रहे होते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, कि किस तरह ज़िंदगी आसान बना दी गई है, डायग्नोसिस आसान हो गई है, बीमारियों का पता चल गया है, इलाज आसान हो गया है, तो इस तरह से किस तरह से इन लोगों ने काम किया और क्या क्या काम किया, और वो कौन लोग हैं जो इस काम में इतना मशहूर हो गए। सही है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा रीड करने वाला टॉपिक है, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया आपने ये जानना है, कि साइंटिस्ट का नाम क्या है, वो कौन थे, और फिर हम डिस्कस करेंगे उनका कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने इस फील्ड के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन अपना पेश किया है। थोड़ा सा रीड करने वाला टॉपिक है, तो आप अपनी बुक्स के अंदर देखें, टॉपिक जो है बड़ा ईजी है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सो हम वन बाय वन सारे साइंटिस्ट को जो है वो स्टडी करेंगे, देखेंगे, और उनकी कंट्रीब्यूशन को भी स्टडी करेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया। मोस्टली से पहले बता दूं एक बात, कि जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा कम किया है और थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा किया है। मुस्लिम साइंटिस्ट ने ज़्यादातर किताबें लिखी हैं, सही है, और इन्हीं किताबों को पढ़कर मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स बना ली, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए, डिफरेंट डिस्कवरीज कर ली। सही है, तो हमारे जो मुसलमान साइंस जानते हैं इनका थ्योरेटिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल वर्क भी है लेकिन थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न साइंटिस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर, तो पहले हैं हमारे पास जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान का नाम आपने पहले भी सुना होगा। जाबिर बिन हयान जो है वह बहुत फेमस हैं बायोलॉजी की फील्ड के, तो उन्होंने सारी साइंस में काम किया है लेकिन बायोलॉजी की फील्ड में जाबिर बिन हयान बहुत फेमस हैं अपनी दो किताबों को लेकर। इन्होंने दो मशहूर किताबें लिखी हैं, अल नबातात एंड अल हैवान। नाम से ही जाहिर हो रहा है, अल नबातात यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड हैवान स्टडी ऑफ एनिमल्स। जाबिर बिन हयान ने जो है इन दो किताबें लिखी हैं बायोलॉजी की फील्ड के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स की प्रॉपर्टीज, उनका लाइफ स्टाइल वगैरह डिफाइन किया है। इसके बाद हमारे पास हैं अब्दुल मलिक आसमाई। जाबिर बिन हयान के बाद अब्दुल मलिक आसमाई हैं जिन्होंने जो है इस फील्ड में काम किया, और ही वॉज रिगार्डेड एज अ स्पेशलिस्ट ऑफ हिज टाइम। अपने वक्त के ये माहिर समझ जाते थे, अपने दौर के ये मशहूर साइंटिस्ट हैं अब्दुल मलिक आसमाई। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उनके मुख्तलिफ नाम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अलखील। अलखील में इन्होंने डिस्क्राइब किया है फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स ऑफ हॉर्सेस, सॉरी, के अलखील में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो एक घोड़ा है, जो एक हॉर्स है, उसकी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है अल इबिल, इसमें उन्होंने कैमल्स को, ऊँटों को डिस्क्राइब किया है, उनकी प्रॉपर्टीज, लाइफ स्टाइल, बॉडी पार्ट्स। देन अल वहूश, इसमें उन्होंने एनिमल्स को डिस्क्राइब किया है कि एनिमल्स के लाइफ स्टाइल कैसा होता है, कैसे होते हैं एनिमल्स। देन अस शाह, इसमें उन्होंने शीप को जो है वो डिस्क्राइब किया है,
और लास्ट है इनकी खलकुल इंसान, जिसमें इन्होंने ह्यूमन बीइंग को, इंसान को डिस्क्राइब किया है कि इंसान की बॉडी की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, लाइफस्टाइल कैसा होता है। नंबर थर्ड है हमारे पास अली बिन रब्बान तुबरी। अली बिन रब्बान तुबरी जो हैं, इन्होंने जो है वो मशहूर किताब लिखी है फिरदौसुल हिकमा। इनकी मशहूर किताब का नाम है फिरदौसुल हिकमा, जिसमें इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो पेश किए हैं फ़िलासफ़ी के हवाले से, जोलॉजी के हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से, एस्ट्रोनॉमी के हवाले से, सही है, यानी कि नफ्सियात की बात उन्होंने इसमें की है, या इल्म फलकियात की बात की है, जानवरों की बात की है, सही है, और फलसफे की बात की है। इन्होंने अपनी उस एक ही बुक के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर किया है। इस बुक का नाम है फिरदौसुल हिकमा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर फोर, अबू उस्मान उमर अली जाहिज। इन्होंने जो एक मशहूर किताब लिखी है अल हैवान, जिसमें इन्होंने 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को डिस्कस किया है, यानी एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ के किस्म के जानदारों को, जानवरों को स्पेशली अपनी इस बुक के अंदर, अल हैवान के अंदर जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो कौन कौन सी किस्म के हो सकते हैं, एंड स्पेशली अबाउट लाइफ ऑफ आंट, एक चींटी की ज़िंदगी कैसी होती है, इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर उसको डिस्क्राइब किया है, उससे बात की है कि एक चींटी की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, सही। उसके बाद है अलफ़राबी। अलफ़राबी जो है वो अपने वक्त के मशहूर हकीम और सर्जन माने जाते थे इस्लामी दुनिया के, और इन्होंने भी दो किताबें लिखी हैं, किताबी नबातात और किताबुल हैवानात। तो वही नबातात, यानी इन्होंने प्लांट्स को डिस्कस किया है, और हैवानात में इन्होंने जो है वो एनिमल्स को डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अबुल कासिम अल ज़हरवी। अबुल कासिम अल ज़हरवी जो हैं वो ये भी अपने वक्त के मशहूर हकीम और सर्जन हैं इस्लामी दुनिया के, और इन्होंने जो मेजर काम अंजाम दिया है वह इन्होंने जो है वो यूरिनरी ब्लेडर से स्टोन को रिमूव करने का मेथड दिया है। यूरिनरी ब्लेडर में जो पथरी हो जाती है मसाने के अंदर, उसको किस तरह से रिमूव करना है, ये उसके मशहूर जो है वो सर्जन थे अपने वक्त के, पथरी को रिमूव करने के, सही। उसके बाद है इब्न अल हैतम। तो इब्न अल हैशम ने जो है वो मशहूर किताबें लिखी हैं किताबुल मनाजिर और मिज़ानुल हिकमा। इन्होंने इस अपनी इस किताब में जो है वो विजन को जो है वो डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से देखते हैं आँखें जो हैं वो, किस तरह से देखती हैं, किस तरह से काम करती हैं, इसको उन्होंने अपनी उस किताब के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमारे पास बू अली सिन्हा ने जो है वो, इनको कहते हैं फाउंडर ऑफ मेडिसिन। जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, अदवायात यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, तो इनको जो है वो बू अली सिन्हा को फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और इन्होंने ये काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के अंदर मेडिसिन को बनाने में, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ईस्ट हो या वेस्ट, बू अली सिन्हा का नाम है इस दुनिया में, मेडिसिन की दुनिया में, सही। इन्होंने किताबें लिखी हैं अल कानून, फिल तिब अल शिफा, और इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी किया, जो कि नॉर्मली जो मेडिसिन होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से ही ज़्यादातर बनाई जा रही होती हैं, जड़ी बूटियों वगैरह से या किसी भी प्लांट एक्सट्रैक्ट से, तो जो है उसको यहाँ पर बताया इन्होंने। उसके बाद है ज़ियाउद्दीन इब्ने बैतर जो है ज़्यादा पुराने नहीं है, 13वीं सदी की बात हो रही है, 13 सेंचुरी की। तो ये स्पेशलाइज इन स्टडी ऑफ प्लांट्स के, ये भी आपके पास प्लांट्स के माहिर हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, क्या किया है इन्होंने, और इन्होंने जगह जगह जाकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, खित्तों में जाकर मुख्तलिफ प्लांट्स की स्पीशीज़ को स्टडी और उनको एक्सप्लेन किया कि दुनिया के अंदर किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट मौजूद हैं। उसके बाद है इब्न नफीस, उन्होंने टाइप किया है ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी, दौरान निज़ाम खून किस तरीके से जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, खून जो है वो शरीरों के अंदर गर्दिश करता है, उसका क्या तरीका है, इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है हमारे पास कमालुद्दीन अल दमीरी। ये 14 सेंचुरी की बात हो रही है, तो ये अपने वक्त के, अपने टाइम के मशहूर जूलॉजिस्ट हैं, माहिर हैवानात हैं ये अपने वक्त के, और इन्होंने किताब लिखी है हयात अल हैवान, जिसमें इन्होंने जानवरों के 1000 काइंड्स की बात की है, 1000 काइंड्स ऑफ एनिमल्स को डिस्कस किया, 1000 किस्म के जानदारों के इन्होंने अपनी इस किताब में बताया है कि वो किस किस्म के हो सकते हैं, हयात अल हैवान किताब का नाम है। और यहाँ पे सेकंड लास्ट है हमारे पास अली बिन ईसा। ये आई स्पेशलिस्ट हैं अपने वक्त के, आँखों के माहिर हैं, इसके अलावा हमारी आँख का स्ट्रक्चर कैसा है, आँखें किस तरह देखती हैं, आँखों की कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, ये भी इन्होंने जो है बताया है। इसके अलावा इन्होंने
3 वॉल्यूम लिखे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कि आँखों की कम से कम 130 बीमारियों को उन्होंने डिस्कस किया है अपने इन 3 वॉल्यूम्स के अंदर, सही। तो इन्होंने 3 वॉल्यूम रिलीज़ किए जिसमें उन्होंने आँखों से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड 130 डिजीज को जो है वो डिस्कस किया है और आँखों को किस तरह से वो काम करती हैं, किस तरह से वो स्ट्रक्चर उनका बनाया गया है उसको स्टडी किया है। दैन लास्ट में हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट अबुल कासिम मजरीती, तो ये जो है वो यूरोप में बड़े मशहूर हैं अपनी किताब को लेकर एनिमल स्पीशीज, सही। तो ये हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है बायोलॉजी की फील्ड में, अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन पेश किया है बायोलॉजी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, और इस तरह तरीके से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को इन किताबों की शक्ल में पेश किया, सही। एक्सपेरिमेंट जरूर उन्होंने किए होंगे लेकिन इतनी कोई इस वक्त इस दौर में इतनी कोई ख़ास ईजाद मौजूद नहीं है, डिस्कवरीज मौजूद हैं, तो इन्होंने अपने सारे इल्म को इन किताबों में बंद कर दिया, इन किताबों की शक्ल में जो है वो दूसरे लोगों को पेश किया, और जो आने वाले साइंटिस्ट हैं बाद में उन्होंने इन्हीं किताबों को पढ़कर चीज़ों को कंटिन्यू किया। जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने नॉर्मली जो है वो इन बुक्स को जो है वो स्टडी बुक्स ज़्यादा लॉन्च किए हैं, अपने जो भी उनका टॉपिक था, जो भी उनकी फील्ड ऑफ स्टडी थी, जो भी उनकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन थी जिसमें वो माहिर थे, उनको उन्होंने अपने सारे इल्म को इन बुक्स में जो है वो नोट कर लिया और मुख्तलिफ किस्म की एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, फ़िलासफ़ी पे, एस्ट्रोनॉमी पे अपनी बुक्स रिलीज़ करी। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने नॉर्मली ज़्यादातर किताबें ही रिलीज़ करी हैं, इतना खास कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हम देखेंगे अभी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन्हीं बुक्स को जो है स्टडी किया है और मुख्तलिफ किस्म की इन्वेंशंस जो है वो, जो टेक्निक्स आज हम देखते हैं दुनिया में, मशीन्स देखते हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं आजकल, वो इन्हीं बुक्स से जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है और उसको जस्ट जो है वो एक शक्ल देकर हमारे सामने पेश कर दिया है। बाकी जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जस्ट इतना ही है जितना आज से अभी फ़िलहाल डिस्कस किया गया। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न साइंटिस्ट। अब हम बात करेंगे उन साइंटिस्ट की जो मुस्लिम नहीं थे, सही, जो मुसलमान नहीं थे, तो उनको कहा जाता है मॉडर्न साइंटिस्ट या मॉडर्न बायोलॉजिस्ट, यानी जो दूसरे जो है मज़हब के लोग हैं उन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में क्या काम किया, अब हम उनकी बात करें। तो जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने बुक्स लॉन्च किए हैं, तो नॉर्मली जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने नॉर्मली थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा किया है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम साइंटिस्ट। तो वन बाय वन हम मॉडर्न साइंटिस्ट को भी स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन पेश किया इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो है वो विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे ने भी ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है और खून जो है वो खून की नालियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर किस तरीके से मूव करता है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट है हमारे पास गैलीलियो। गैलीलियो का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गैलीलियो ने जो है वो माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया है। यहाँ पे एक बात थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं इन्वेंशन और डिस्कवरीज के बारे में। तो हमारे पास जो इन्वेंशंस होती हैं वो ईजाद को कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ बनाना जो दुनिया में पहले मौजूद नहीं थी, जबकि डिस्कवरीज कहते हैं दरियाफ्त को, यानी किसी चीज़ की खोज लगाना जो दुनिया में पहले मौजूद है, आपने जस्ट उसको ढूंढ के निकाला है, उसको बताया है उसके बारे में, तो वो डिस्कवरी है। लेकिन आपने एक चीज़ खुद से बनाई है, दुनिया में पहले कभी मौजूद नहीं थी, उसे इन्वेंशन कहा जाएगा। तो गैलीलियो ने जो है वो माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एक आला है जिससे आप छोटे साइज की चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। जो चीज़ आम इंसानी आँख नहीं देख पा रही, इतनी छोटी है साइज़ में, उसको माइक्रोस्कोप में रखकर बड़ा करके देखा जा सकता है। तो ये जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट, ये गैलीलियो ने इन्वेंट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है सेल को एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म। रॉबर्ट हुक ये कहते हैं कि जो जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, और जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी का जो, जिस तरह हम बोलते हैं केमिस्ट्री में कि जो मैटर है उसका लास्ट पार्ट जो एटम होता है, इस तरह जो बायोलॉजी में कहते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बने। तो बेसिक यूनिट जो है लाइफ का वो सेल है, सही। एक सेल ज़िंदगी शुरू होती है, तो सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसका कहना है, किसकी डिस्कवरी है? ये डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक की। सारी बातें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में सवाल आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो रॉबर्ट हुक जो है वो डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म।
उसके बाद है लिनियस, लिनियस का पूरा नाम है कार्ल लिनियस। इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है, मेथड्स डेवलप किए हैं क्लासिफिकेशन के, दर्जाबंदी के, आइडेंटिफिकेशन के, और आपके पास नॉर्मल क्लेचर पेश किया है साइंटिफिक नेम देने का। लिनियस का मेन काम यही, जो हम दर्जाबंदी पढ़ते हैं, जो हम साइंटिफिक नेम देखते हैं आजकल, कि साइंटिफिक नेम किसी भी जानदार का टू वर्ड्स पे होना चाहिए, जीनस नेम होना चाहिए, स्पीशीज नेम होना चाहिए, तो ये सारा काम किया है, सारा मेथड बनाया है लिनियस ने बनाया। लिनियस की स्टडी है ये, लिनियस ने नॉर्मल क्लेचर बनाया है, बायनोमियल नॉर्मल क्लेचर, जिसको फॉलो करते हुए कोई भी साइंटिस्ट किसी भी नए ऑर्गेनाइज्म को उसका साइंटिफिक नेम देता है। इसके अलावा ग्रुपिंग की बात करते हैं कि सारे इंसानों का ग्रुप अलग है, एनिमल्स का ग्रुप अलग है, तो उसमें भी मजीद कैटेगरीज हैं बहुत सारी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर उनको ग्रुपिंग भी की गई है, तो ये भी जो लिनियस का बनाया हुआ सिस्टम है। उसके बाद है हमारे पास शेल्डन एंड शवान। शेल्डन एंड शवान ने जो है नॉर्मली सेल थ्योरी का आइडिया पेश किया है। सेल थ्योरी हम पे नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। सेल थ्योरी के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसमें डिस्कस किया जाता है कि सेल थ्योरी जो है कि इंसान जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने हैं, नए सेल पुराने सेल से बनते हैं, पूरी एक सेल थ्योरी पूरा टॉपिक है जिसको हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन ये थ्योरी किसने पेश की थी, ये थ्योरी पेश की थी शेल्डन और शवान नामी साइंटिस्ट ने, ये दोनों ही मॉडर्न साइंटिस्ट थे। उसके बाद है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है एज अ कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं टीबी की बीमारी को, टीबी बहुत कॉमन है, सुना होगा नाम, तो टीबी की जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस इसका पूरा नाम है, उसकी वजह क्या है, बैक्टीरिया। तो इन्होंने उस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है जो वजह बनता है ट्यूबरक्लोसिस की, लुईस पास्चर ने ये काम किया। नेक्स्ट है हमारे पास जे लिस्टर। जे लिस्टर ने जो है आपके पास एंटीसेप्टिक को डिस्कवर किया है, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन एंड कार्बोलिक एसिड। सो आयोडीन और कार्बोलिक एसिड्स जो हैं वो एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जरासीम कश, ऐसे केमिकल जरासीम को मारते हैं, जैसे कि आजकल सैनिटाइजर्स बड़े मशहूर हैं, तो सैनिटाइजर्स क्या हैं, एंटीसेप्टिक हैं। डेटॉल बड़ा कॉमन है, डेटॉल का लिक्विड जो आता है वो एंटीसेप्टिक है। फिनाइल वगैरह जो घर में लगाए जाते हैं पोछे के तौर पर, वो एंटीसेप्टिक होते हैं। एंटीसेप्टिक जो जरासीम को, बैक्टीरिया को या दूसरे किसी जरासीम को मार देते हैं। अगर कोई जरासीम लग भी गया बॉडी पे तो उसको ये वहीं किल कर देंगे और बॉडी के अंदर जाने नहीं देंगे, ताकि वो दूसरा कोई बीमारी या दूसरा कोई हार्म बॉडी में प्रोड्यूस करे। तो आपके पास जे लिस्टर ने एंटीसेप्टिक को डिस्कवर किया, यानी ऐसे केमिकल डिस्कवर किए हैं जो एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ होते हैं, जिनको एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। कार्बोलिक एसिड्स की बड़ी अच्छी मिसाल है, सैनिटाइजर्स के अंदर कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद ई जैनर। इन्होंने डिस्कवर किया है वैक्सीनेशन को अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। वैक्सीनेशन क्या होती है, ये बड़ा डिफरेंस है वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के अंदर। ट्रीटमेंट तो आपके पास कहते हैं इलाज को, एक बंदे की बीमारी लाहक हो गई, अगर वो उसका इलाज करवा रहा है, बीमारी उसको हो चुकी है, सिम्टम्स उसमें आ चुके हैं, तो ये बीमार है, तो उसको फिर जो इलाज करवा जाएगा वो ट्रीटमेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी इलाके के अंदर कोई वबा फैल गई है या कोई अब बीमारी सबको होने वाली है, तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ से वबा फैलने से पहले ही, बीमारी होने से पहले ही उस इलाके के लोगों को वैक्सीनेशन दी जाए, वैक्सीन दी जाए, ताकि उनको बीमारी ना हो। वैक्सीनेशन एक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है हमारी बॉडी, जैसे एक पोलियो, पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं, तो वो वैक्सीनेशन है, उसमें पिलाए जाते हैं ताकि जो उन बच्चों को पोलियो ना हो। जो बच्चे पोलियो कतरे पी लेंगे उनको पोलियो नहीं होगा। इस तरह के पास इन्होंने जो काम किया था वो स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, मीजल्स जो होते हैं, तो बच्चों के दाएँ निकल जाते हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया कि अगर वो दे दी जाए वहाँ के उस इलाके के लोगों को या बच्चों को, तो उनको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होंगे। सही, तो इन्होंने डिस्कवर किया है वैक्सीनेशन को स्मॉल पॉक्स के। फॉर एग्जांपल आजकल जो बड़ी वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, इसकी वजह से हम अभी घर में मौजूद हैं, घर पे ही अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी भी अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है। सही, वैक्सीनेशन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो ट्रीटमेंट तो इलाज है, जिसको बीमारी हो गई वो ट्रीटमेंट करवाएगा, और जिसको नहीं हुई वो वैक्सीनेशन ले सकता है ताकि उसको बीमारी ना हो। तो मुख्तलिफ डिजीज़ के वैक्सीनेशन मौजूद है, फिलहाल कोरोना की अब तक कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बहुत मशहूर है अपनी किताब को लेकर, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। चार्ल्स डार्विन ने नॉर्मली जो ज़्यादा काम किया है वो किया है एवोल्यूशन के ऊपर, कि एक स्पीशी के अंदर एक लॉन्ग टर्म बाद चेंज कैसे आता है। एवोल्यूशन जो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत देर लगाता है, बहुत टाइम के बाद इसको महसूस किया जा सकता है। तो एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे होता है,
इस पर चार्ली डार्विन ने अपनी किताब में बात की है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर कि वक्त के साथ साथ जानदारों के अंदर इतनी तब्दीली क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है। सही, उसके बाद में हमारे पास ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स के बानी हैं, इन्होंने इस ब्रांच की, इस स्टडी की बुनियाद रखी है। ग्रीगर मेंडल ने जेनेटिक्स की बुनियाद रखी, यानी कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग हैं, जो औलादे हैं, जो यंग वंस हैं, नए आने वाले हैं दुनिया में, वो अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, या उनके इतने सारे फीचर्स पेरेंट्स जैसे क्यों मैच कर रहे हैं, या वो कौन से फीचर्स मैच क्यों नहीं कर रहे। तो पूरी स्टडी है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में सिर्फ फीचर्स ही नहीं आएंगे बल्कि बीमारी भी आ सकती है। फॉर डायबिटीज़ अगर पेरेंट्स को है तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि वो चिल्ड्रंस में किसी एक को हो। सही, तो ये जेनेटिक्स क्यों हो रही है, इसका यूज़फुल इम्पैक्ट क्या है, इसका हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है, ये पूरी स्टडी बनाई है ग्रीगर मेंडल ने। इसी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और लास्ट है हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने जो है वो पेश किया है आपके पास डीएनए का मॉडल। डीएनए क्या होता है पता होना चाहिए। डीएनए इज़ द एब्रिविएशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारी बॉडी में हर सेल में जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, तो क्रोमोसोम किसके बने हुए होते हैं, डीएनए के बने हुए होते हैं। तो ये डीएनए का मॉडल कैसा है, डीएनए की शक्ल कैसी है, डीएनए में केमिकल्स की, एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, ये पूरा मॉडल जो है वो पेश किया है वॉटसन एंड क्रिक ने। तो नॉर्मली जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने थोड़ा थोड़ा काम किया है, एक एक काम किया हर बंदे ने, लेकिन जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो एक ही बंदे ने इतना सारा काम किया हुआ है। ये हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उस एक ही साइंटिस्ट ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया है। फिलासफी भी किया है, जूलॉजी भी किया है, साइकोलॉजी भी किया है, लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ही फील्ड को पकड़ लिया और एक इन्वेंशन डिस्कवरी कर दी, और वो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। सही, तो ये टॉपिक थोड़ा सा रीड करने वाला था, थोड़ा सा बताने वाला था, समझाने वाली इतनी कोई ख़ास बात यहाँ पे नहीं थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपने करना ये है कि इन दोनों साइंटिस्ट को, मॉडर्न को और मुस्लिम को, एक बार खुद से स्टडी कर लेना है और समझ लेना है कि क्या इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन है, किस तरह उन्होंने काम किया है और क्या काम किया है। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे आपके अगले लेक्चर में। अब बारी है आपके होमवर्क और क्लास वर्क की, वो आपने लाजमी कर लेना है। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।